ले आ गई। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं आप? जी मैं ऑडिट फर्म में जॉब करती हूँ। किचन का कोई काम वाम आता है या बस सारा दिन खाते खोलकर बैठी होती हो? आप बेफिक्र रहिए, सामिया को सब कुछ आता है। हाँ ये तो है, आता तो इसे सब कुछ है। जो बात करने के लिए हम आए हैं ना, वो बात करो ना फातिमा। क्या बात करूं, सब कुछ तो पहले से ही इन्होंने तय कर लिया है। हमें तो बस इतना बताया जाता है कि लड़की के घर जाना है, तो हम आ गए। इतनी इज्जत और हैसियत होती तो क्या ही बात थी। मेरा ख्याल है कि ये बातें हम घर जाके भी कर सकते हैं ना, या नहीं? चल क्या आप लोग यहाँ अपनी मर्जी और खुशी से नहीं आए? भाई साहब हमारी मर्जी की भला क्या अहमियत, हम तो अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं, अब तो इनकी मर्जी है जिसके साथ चाहें जिंदगी गुजारें। अच्छा मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। हाँ बेटा। आप लोग कुछ तो लीजिए, बिल्कुल कुछ नहीं ले रहे। कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। लेकिन जो आप ढूंढ रहे हैं वो तो आपको आज नहीं मिलेगा, क्योंकि आज आपकी किस्मत में नहीं है। जानती हैं किस्मत की सबसे अच्छी बात क्या होती है, कि वो पलट भी जाती है। फिलहाल तो आप पीछे पलटिए, नहीं तो आपकी किस्मत आज ही पलट जाएगी। I'm sorry, मैं बस रास्ता भूल गया था। जानती हूँ ऐसे मौकों पर ना लड़की अक्सर अपना रास्ता भूलकर इधर उधर निकल जाते हैं, इसीलिए तो आई हूँ ताकि आपको सही रास्ता दिखा सकूं। वो रहा आपका रास्ता, प्लीज। क्या कर रही थी तुम? अब्बी और अम्मी देख लेते तो। तुम्हें अंदाजा भी है अरसलान की अम्मी कितनी आग बगोला के बैठी हुई है, हर थोड़ी देर के बाद लावा फूट जाता है। अल्लाह की कसम आपे मैंने कुछ नहीं किया। चुप। और जब तक मेहमान बाहर ना चले जाएं, घर से बाहर किचन से तुमने कदम बाहर नहीं निकाला। जाओ अंदर जाओ।